हनी सिंह के गाने बच्चों से लेकर हर एक नौजवान को पसंद आते हैं, चाहे उनके गाने की बीट हो या रैप की लाइन। उनके गाने लोगों की जबान पर होते हैं। काफी टाइम बाद हनी सिंह ने फिर कमबैक किया था और पिछले साल हिट गाने मखना से वापसी की। अब जैसा कि हम सब जानते हैं कि हनी सिंह के गानों के थीम और लिरिक्स काफी यूनिक होते हैं, और शायद इसी वजह से यो यो हनी सिंह अपने खालिया गाने की वजह से विवादों में फंसते नजर आ रहे हैं। खबर है कि हनी सिंह के गाने को लेकर पंजाब राज्य महिला आयोग बेहद नाराज है। गाने में महिलाओं के लिए कथित अश्लील लाइनों को लेकर महिला आयोग ने पुलिस को केस दर्ज करने के लिए कहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन मनीषा गुलाटी ने इस संदर्भ में एक चिट्ठी लिखकर हनी सिंह के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। मनीषा ने पंजाब के गृह सचिव और डीजीपी को चिट्ठी लिखी है। इस बारे में मनीषा गुलाटी ने न्यूज एजेंसी पीटीआई को बताया, हमने पुलिस से कहा है कि वो मखना गाने में महिलाओं के लिए अश्लील शब्दों के इस्तेमाल को लेकर सिंगर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करे। महिला आयोग ने ये भी कहा कि इस मामले में 12 जुलाई तक पुलिस एक स्टेटस रिपोर्ट प्रस्तुत करे। मनीषा गुलाटी के मुताबिक महिलाओं के खिलाफ आपत्तिजनक गाने को पंजाब में बैन किया जाना चाहिए। बता दें कि ये गाना दिसंबर 2018 में रिलीज हुआ था। इस गाने को हनी सिंह और नेहा कक्कड़ ने गाया है। टी सीरीज के यूट्यूब चैनल पर इसे रिलीज किया गया था। गाने को काफी पसंद किया गया था और इस गाने के लिरिक्स खुद हनी सिंह ने लिखे हैं। बता दें कि 2013 में हनी सिंह के एक और गाने को लेकर भी विवाद खड़ा हुआ था, लेकिन हनी सिंह ने कहा था कि ये गाना उन्होंने नहीं गाया। खैर, इस मामले में तो हनी सिंह को क्लीन चिट मिल गई थी। आपको बता दें, साल 2018 में हनी सिंह ने दिल चोरी और छोटे छोटे पैक जैसे गाने गाए थे, और ये सभी गाने चर्ट बीट पर बने रहे थे। अब फिलहाल देखना ये होगा कि हनी सिंह अपनी इस नई मुसीबत से कैसे निकलते हैं।